हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और सबको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर के बाद शेड्यूल हुआ है। अब अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी चैप्टर्स ले रहे हैं उन सारे चैप्टर्स को बेसिक से तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं और इसमें लॉगिन करके आप जितना भी स्टडी मटेरियल है सब सारे सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर की बात करें, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैलेंडर। कैलेंडर एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक कोई डेट दी होती है। कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इस डेट को ये दिन था इस दिन, और फिर जो है दूसरी डेट पूछ ली जाती है कि अगर इस डेट को ये दिन था तो उस डेट को क्या दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कैलेंडर में आते हैं। जैसे बात करें अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हमारा अंशुस बर्थडे इज ऑन संडे 2nd of April। अंशु का जन्मदिन 2 अप्रैल यानी रविवार को होता है, 2 अप्रैल को हुआ। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी प्रियंकास बर्थडे इन द सेम ईयर इफ प्रियंका वाज बोर्न ऑन 29th of October। एक किसी भी साल की बात दे दी गई है, उसमें कहा गया है कि अंशुल का बर्थडे जो होता है वो 2 अप्रैल को होता है। तो जब 2 अप्रैल को उसका जन्मदिन हुआ तो वो दिन कौन सा था, रविवार। फिर पूछ लिया गया कि उसी साल में प्रियंका का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा अगर प्रियंका का जन्मदिन 29 अक्टूबर को हुआ। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका, अगर हम अप्रैल की बात करें, अभी हम अप्रैल को छोड़ देते हैं, टोटल डेज देख लेते हैं। मई में कितने दिन होते हैं, 31 टोटल। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, ठीक। फिर 29 अक्टूबर को पूछा गया है तो यहां पे अक्टूबर में कितना हो जाएगा, 29, ठीक। अगर हम इसको पूरा टोटल करते हैं तो क्या आ रहा है, 9, 10, 11, 12। तो 12 हमारा ये हो गया। उसके अलावा 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18। तो कितना आ गया, 182। अब ये 182 टोटल डेज आ गए इसके। अब अप्रैल की बात करें, अप्रैल में उसका 2nd of April को हुआ था। अप्रैल में टोटल हमारे डेज होते हैं 30। तो अगर 30 डेज होते हैं तो 2nd of April का है, तो 2 अप्रैल के बाद टोटल कितने दिन बचे, 28 बचे। तो 8 में 2 ऐड करेंगे, ये 0, ये 1, यहाँ पे 2, 210। यानी अगर हम 2 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक कुल डेज फाइंड करें कि टोटल कितने दिन थे 2 अप्रैल से 29 अक्टूबर के बीच में, तो हमारे टोटल दिन कितने आए, 210, ठीक। अब हमको फाइंड करना है कि 29 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ा। तो अगर 29 अक्टूबर को दिन फाइंड करना है तो उसका एक तरीका है, जो भी हमारा टोटल डेज आए इस टोटल डेज को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करने पर हमारा जो भी रिमाइंडर बचे, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका क्या मतलब है, अगर 2 अप्रैल को संडे पड़ रहा है, 2 अप्रैल को अगर संडे पड़ा तो हमारा 29 अक्टूबर को भी संडे पड़ेगा। अगर यहां पे 0 की जगह हमारा रिमाइंडर, इन केस अगर हम मान ले अगर हमारा रिमाइंडर यहां पे 2 आता, तो उस केस में क्या करते, हमारा जैसे संडे दिया हुआ था 2 अप्रैल को, तो हम संडे में प्लस का 2 कर लेते, तो संडे के 2 दिन बाद कौन सा आता है, ट्यूजडे आ जाता, तो हमारा आंसर ट्यूजडे हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो हमारा डे केवल संडे ही रहेगा। उसी तरह अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आता तो संडे में प्लस 1 कर लेते तो मंडे आ जाता। अगर हमारा प्लस 4 आता तो संडे में प्लस 4 कर लेते तो हमारा आंसर आता थर्सडे। तो इस तरह से ये कैलेंडर का एक टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के कैलेंडर से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कैलेंडर में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब
हमारा क्वेश्चन क्या है, मोहिनी करेक्टली रिमेम्बर्स दैट हर मदर्स बर्थडे हेल्ड बिटवीन 25 जनवरी टू 2nd ऑफ फरवरी, यानी मोहिनी को अच्छी तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच होता है। फिर आगे दिया हुआ, बट हिज ब्रदर करेक्टली रिमेम्बर्स दैट हर मदर्स बर्थडे हेल्ड बिटवीन 28th ऑफ जनवरी टू 3rd ऑफ फरवरी, लेकिन उसके भाई को अच्छे से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 28 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच होता है। तो व्हेन एक्चुअल डे हर मदर्स बर्थडे है, तो यानी किस दिन उसकी माता का जन्मदिन होगा। अब अगर मोहिनी की अगर हम बात करें, तो मोहिनी के अनुसार 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में है, तो 25 जनवरी से 25 जनवरी को नहीं है, तो हमारे पास डेट क्या क्या होगी, 26 27 28 29 30 31 और 1, ये मोहिनी के अनुसार है। और अगर उसके ब्रदर की बात करें, तो उसके अनुसार 28 जनवरी से 3 फरवरी के बीच है, तो हमारे पास डेट बची 29 30 31 1 2, ठीक ये डेट बची। अब अगर दोनों को हम मैच करें, तो दोनों मैच करने पर हमारे पास 29 30 31 1 29 30 31 1 ये हमारे पास 4 डेटें आ रही हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसकी मदर का बर्थडे कब होता है, तो हम इससे मदर का बर्थडे नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमें एक्चुअल डेटा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मोहिनी के अनुसार भी जो डेट दी हुई है और उसके ब्रदर के अनुसार जो डेट दी हुई है, उस डेट को हम एक्चुअल फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं फाइंड कर सकते। अगर हमारे पास यहाँ पे केवल 29 और 29 यहाँ पे मैच कर रहा होता, तो हमारी 29 डेट हो जाती, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉमन अगर हम निकाले, तो यहाँ पे भी 4 डेट मैच कर रही है, यहाँ पे भी 4 डेट मैच कर रही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट को मिलाने पर। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, व्हेन विल फ्राइडे विल बी, अगर आज से एक दिन पहले, मतलब कल के जो बीता हुआ कल था उसके एक दिन पहले मंडे था, तो फ्राइडे कब होगा। अगर आज की अगर हम बात करें, जैसे आज का दिन हुआ, ठीक, आज के दिन का यस्टरडे, ये हमारा यस्टरडे हो गया, यस्टरडे मतलब जो हमारा पिछला दिन है, जैसे एक आज का दिन है और एक जस्ट पहले का दिन, आज से जस्ट पहले का दिन उसको बोलते हैं यस्टरडे। तो अगर ये यस्टरडे था, यस्टरडे के एक दिन पहले था मंडे, तो अगर मंडे था यस्टरडे के एक दिन पहले, तो कल हमारा क्या था, ट्यूजडे, और आज हमारा क्या है, वेडनेसडे। तो हमसे पूछा गया है कि फ्राइडे कब होगा, तो अगर कल की बात करें, अब देखिए अगर आज बुधवार है और बोला गया था कि आज के एक दिन पहले जो था उसके एक दिन पहले मंडे था, सोमवार था, अगर सोमवार था तो जाहिर सी बात है जो हमारा पिछला जस्ट पहले वाला दिन था वो हमारा मंगलवार था, तो आज हमारा बुधवार हुआ। तो अगर आज हमारा बुधवार है और बोला जा रहा है शुक्रवार कब है, तो जाहिर सी बात है एक जो हमारा कल का दिन होगा वो उसको बोलेंगे टुमारो, कल का हमारा दिन हो जाएगा थर्सडे, और उसके जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा हो जाएगा फ्राइडे। तो अगर जो हमारा जैसे आज का दिन बुधवार है, उसके जो अगला दिन है, उसके जस्ट अगला दिन है, उसको हम लोग जैसे कल को बोलेंगे आज जैसे बुधवार, उसके बाद जो थर्सडे होगा बृहस्पतिवार होगा उसको हम टुमारो बोलेंगे, और टुमारो के जो नेक्स्ट वाला दिन होगा उसको हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। तो अगर डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसवी रिमेंबर्स दैट हर हस्बैंड बर्थडे इज आफ्टर 6 बट बिफोर 11th ऑफ अप्रैल, मानसवी को अच्छी तरह से याद है कि उसके हस्बैंड का बर्थडे 6 अप्रैल के बाद लेकिन 11 अप्रैल से पहले होता है। While her mother-in-law Urvashi remembers that her son's birthday is before 10th but after 9th April, लेकिन उसकी mother-in-law यानी उसकी सास को पता है कि उनके बेटे का जन्मदिन 12 तारीख के पहले यानी 9 अप्रैल के बाद होता है। अब किस दिन उसके हस्बैंड का बर्थडे हुआ, अगर मानसवी की हम बात करें, तो मानसवी के अनुसार 6 के बाद लेकिन 11 से पहले, यानी हमारे पास क्या डेट है, 7 8 9 10, ये हमारे पास 4 डेटे आ गई। अगर उसकी मदर इन लॉ की बात करें, तो मदर इन लॉ के अनुसार 9 के बाद लेकिन 12 के पहले यानी 10 11, दो डेट आ गई उनकी मदर के अकॉर्डिंग। तो अगर
इन दोनों डेटा को मिला के देखें तो हमारे पास कौन सी डेट कॉमन आ रही है, हमारे पास केवल 10 कॉमन आ रही है। अगर 10 डेट हमारी कॉमन है तो इसका मतलब उसके हस्बैंड का बर्थडे कब होगा, 10th of April, 10 अप्रैल को होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी हमें डेटा दिया होता है तो डेटा देने में जो दो हमें दिए होते हैं डेटा, दो पर्सन के, तो उन दोनों पर्सन का अलग अलग लेके फिर उसमें हम मैच करते हैं कौन सी डेट हमारी एक मैच कर रही होती है। जिसमें केवल एक मैच कर रही होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी एक से ज्यादा डेटे मैच करती हैं और उससे हम डेटा दिए हुए डेटा से ये फाइंड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली हमारी क्या डेट है, तो हम उस बेस से कैन नॉट बी डिटरमाइंड का आंसर लगाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल एक डेट यानी 10 अप्रैल कॉमन है, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर 10 अप्रैल यानी सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लविश मैरिड इन 1986 हैड टू चिल्ड्रन। लविश का विवाह 1986 में हुआ और उसकी दो संतानें हैं। वन इन 1988 एंड अदर इन 1990। एक का जन्म 1988 में हुआ और एक का 1990 हुआ। देयर कंबाइंड एजेस विल इक्वल द इयर्स ऑफ द मैरिज इन। अब उनकी जो कंबाइंड एज का अगर कौन से साल में उनके दोनों संतानों की जो उम्र है वो उनकी मैरिज की डेट के बराबर है। अगर 1986 में उनका जन्म हुआ तो 1986 में अगर हम देखें 1988 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं 1988 का है, ठीक है, 1988 में अगर 1990 की अगर हम बात करें तो पहला सन जो 1988 में हुआ था वो अगर 1990 की बात करें तो वो दो साल का होगा और जो 1990 में हुआ था वो जीरो इयर्स का हुआ। तो यहाँ पे और अगर 1986 से 1990 की बात करें तो टोटल हमारे 4 इयर्स हो गए। तो यहाँ 4 इयर्स आ रहा है, उधर 2 इयर्स आ रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते। अब अगर हम 1992 की बात करें तो अगर उनकी शादी 1986 में हुई है, 1986 से अगर 1992 में देखें तो हम हमारे पास टोटल कितने इयर्स आ रहे हैं, 6 इयर्स, ठीक। और अगर पहली संतान की बात करें जो 1988 में हुई है उसका अगर 1992 में देखें तो वो हमारी हो गई 4 इयर्स की। और जो हमारी जिसकी दूसरी संतान थी 1990 में उसका अगर 1992 में देखें तो वो कितनी हुई, 2 इयर्स की। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1992 में उनकी मैरिज इयर्स, टोटल मैरिज इयर्स कितने हुए, 6 साल। और उनकी दोनों संतानों की जो एज है वो हमारी कितनी आ रही है, टोटल 4+2=6 ईयर। यानी कि 1992 हमारा ऐसा सन है जिस दिन लविश की जो शादी के जो कुल वर्ष हैं वो उनकी संतानों के कुल उम्र के बराबर है। यानी अगर लविश के विवाह 1986 में हुआ है तो 1992 में क्योंकि उनकी विवाह के 6 साल हो जाएंगे और उनकी संतानों का 1992 में उनकी संतानों की उम्र का योग भी 6 साल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया देयर कंबाइंड एज विल इक्वल टू द इयर्स ऑफ मैरिज इन, तो उनके जो कंबाइंड एज थी, कुल आयु थी उनकी दोनों संतानों की, वो 1992 में उनकी शादी की कुल शादी के सालों की अवधि के बराबर है। तो इसका आंसर 1992 यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज थर्सडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 23rd डे। यदि किसी महीने का तीसरा दिन बृहस्पतिवार है तो उस बेस पे 23rd डे कौन सा होगा। अगर तीसरा दिन हमारा बृहस्पतिवार है, ठीक है, हाँ तीसरा दिन हमारा बृहस्पतिवार दिया है तो 23rd डे कौन सा होगा। तीसरा दिन अगर बृहस्पत है तो 10वां दिन भी हमारा थर्सडे हो जाएगा, 17 वाला डे भी हमारा थर्सडे हो जाएगा और 3, 10, 17 और यहाँ 24 डे भी हमारा थर्सडे हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, अब देखिए अगर हम किसी भी महीने की बात करें तो महीने में हमें पता है जो हमारा वीक होता है वो 7 डेज का होता है। तो अगर 3 तारीख को अगर बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो 3 में अगर हम 7 दिन ऐड करें, वीक में 7 डे होते तो हमारा 10 आ जाएगा। यानी 10 को भी हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा, फिर 10 में हम 7 ऐड करें तो 17 आ जाएगा, ये भी हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा।
फिर इसमें हम 7 ऐड करेंगे यानी 24 डे, तो ये भी हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 23rd डे को कौन सा दिन पड़ेगा, अगर 24th को हमारा थर्सडे पड़ रहा है तो 23rd माने 24 - 1 यानी थर्सडे के जस्ट एक दिन पहले, तो क्या होगा थर्सडे - 1, तो थर्सडे के एक दिन पहले हमारा हो जाएगा वेनसडे, ठीक। और थर्सडे के एक दिन पहले हमारा वेनसडे हो जाएगा, इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी वेनसडे हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माय आंटी शैल विजिट मी आफ्टर 65 डेज ऑफ माय फ्रेंड्स बर्थडे, मेरी जो आंटी है वो मेरे दोस्त के जन्मदिन के 65 दिन बाद आती है। इफ माय फ्रेंड्स बर्थडे फॉल ऑन फ्राइडे, यदि मेरे फ्रेंड का बर्थडे फ्राइडे को होता है तो मेरी आंटी कौन से दिन मेरे घर आई। अब अगर उसके फ्रेंड का बर्थडे फ्राइडे को हो रहा है तो अगर हम 65 को देखें तो 65 को हम अगर ब्रेक करें तो जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो उनको हम वीक के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। तो अगर एक वीक में हमें पता है 7 डेज होते हैं तो हम क्या करते हैं कि 65 को अगर देखें तो हम 7 9 से कितना होता है 63 + 2, ठीक, यानी हमारा टोटल 9 वीक्स और 2 दिन। तो अगर इस दिन हमारा पड़ा है फ्राइडे, तो ये फ्राइडे पड़ा है और इसमें अगर हम 2 दिन ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा संडे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संडे यानी ऑप्शन नंबर 1। अब फिर से बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हमें बोला गया है, देखिए अभी हमें कहा गया कि मेरी जो आंटी है वो मेरे घर आती है, कब आती है जब मेरे दोस्त का बर्थडे होता है उसके 65 दिन बाद। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि टोटल डेज निकाल लेते हैं, उनको 7 से डिवाइड कर लिया था। 7 से हमेशा इसलिए ही डिवाइड करते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम वीक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो वीक के अकॉर्डिंग टोटल एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व करने के में 7 का यूज करते हैं। अब 65 डेज बाद आती है तो उसका बर्थडे अगर फ्राइडे को पड़ा तो 65 को हम 7 × 9 कर सकते हैं, 7 × 9 = 63 + 2 यानी 7 × 9, यहाँ पे 7 हमारा वीक डेज को डिनोट कर रहा है और जो हमारा 9 है ये टोटल वीक्स को डिनोट कर रहा है यानी उसके जन्म दिन के 9 हफ्ते बाद और उन 9 हफ्तों के 2 दिन बाद। तो अगर जिस दिन उसके फ्रेंड का बर्थडे था उस दिन फ्राइडे है तो अगर 7 × 9 करें यानी 7, तो जो 9 हफ्ते बाद तब भी हमारा फ्राइडे पड़ेगा और क्योंकि हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे थे तो 2 दिन एक्स्ट्रा में हम फ्राइडे प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा संडे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह से हम जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई टफ नहीं है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बस जो हमें डेटा दिया हो उसको वीक के अकॉर्डिंग तोड़िए या टोटल डेज निकालिए, इसको 7 से डिवाइड कर लिए, जितना ऑड नंबर या इवन नंबर का रिमाइंडर है उतना ऐड या माइनस कर लेते हैं, इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।